श्याम देहाती की 13वीं पर पहली बार छलका उनकी पत्नी अंजलि का दर्द। यहाँ अंजलि ने किस तरह से उनके जीवन में एक साल से क्या हो रहा था उन्होंने मीडिया के सामने आकर सारी बातें रखी हैं। जी हाँ, अंजलि ने यहाँ ये बताया है कि 9 साल की शादी में श्याम देहाती से उन्हें 3 बच्चे हैं और पिछले साल लॉकडाउन लगा तो वो और उनका परिवार पूरी तरह से यहाँ पटना में शिफ्ट हो गए और देश की स्थिति बेहतर होने की संभावना के साथ कि जैसे ही शहरों में स्थिति कोरोना मुक्त होगी वो फिर मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे बच्चों की पढ़ाई के लिए। श्याम देहाती की बड़ी लड़की 7 साल की, छोटी लड़की 5 साल की और बेटा जो सबसे छोटा है वो 2 साल का है। पिछले साल कोरोना के चलते जब देश में लॉकडाउन की घोषणा हुई तो श्याम देहाती अपने पूरे परिवार सहित पटना शिफ्ट हो गए थे अपने पैतृक गांव। वहीं पे उनकी पूरी फैमिली रह रही थी, वहीं पर उन्होंने फैक्ट्री भी लगवा रखी थी। आपको हम यहाँ ये बता दें कि इसी फैक्ट्री को लगाने के लिए खेसारी लाल यादव ने श्याम देहाती को 6 लाख रुपये दिए, जिसका जिक्र डायरेक्टर लाल बाबू पंडित ने अपने एक ट्वीट में किया था। साथ ही साथ आपको हम यहाँ ये भी बता देते हैं कि श्याम देहाती की पत्नी की बातों से पता चलता है कि उनके परिवार में भी किसी को पता नहीं था कि श्याम देहाती को टीवी जैसी बीमारी है, क्योंकि पत्नी ये कह रही थी कि जैसे ही उनकी तबीयत खराब हुई और हम हॉस्पिटल लेके गए, रास्ते में ही एम्बुलेंस में ही उनकी मौत हो गई और उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट डॉक्टरों को दिखाई, सभी से पता किया तो इससे पता चला कि उन्हें टीवी थी, जिसके लिए श्याम देहाती ने शायद घर में किसी को नहीं बताया था, सिर्फ इलाज करवा रहे थे और इस वजह से ही ये कोरोना वाली अफवाह जो थी वो फैली, क्योंकि परिवार में भी किसी को पूरी तरह से बात पता नहीं थी। खैर, यहाँ पर सारी बातों को क्लियर करते हुए श्याम देहाती की पत्नी अंजलि ने ये बात भी क्लियर कर दी कि श्याम देहाती की मृत्यु कोरोना की वजह से नहीं हुई है। वैसे पहली बार अंजलि बोलते वक्त उनकी आवाज़ काफ़ी रुआसू हो जा रही थी। वैसे यहाँ पर अंजलि ने ये भी बताया कि भोजपुरी जगत से उन्हें काफ़ी हेल्प मिली है और आगे भी वो उम्मीद करती हैं कि लोग उनकी मदद करें। श्याम देहाती 3 भाई हैं, एक बड़े भाई की मृत्यु 2 साल पहले हुई थी और अब एक घर में छोटा भाई ही बचा है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।